न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर वन न्यूज चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत। अयोध्या से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई है। विधायक है हरिशंकर खटीक, उन्होंने शपथ दिलवाई है अयोध्या की सरयू नदी में। शपथ क्या है, कसम क्या है? कार्यकर्ताओं को चुनाव में छल और धोखा न करने की शपथ इन्होंने दिलाई है। ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनता की सेवा करें, जनता की सेवा करें, किसी के साथ में हम कोई धोखा ना दें, कोई धोखा ना दें, ऐसा भैया हम कोई छल छंद ना करें, हम कोई छल छंद ऐसा जो भैया हम अपने क्षेत्र के विकास को इतिहास के साथ ना करें, ऐसा जो भैया जय सरजू भैया अपने जीवन में अपने जीवन विकास जनता की सेवा करें, जनता की सेवा करें, किसी के साथ में हम कोई धोखा ना दें, कोई धोखा ना दें, जय सरजू भैया। चलिए, शपथ आपने पूरी सुन ली होगी, कसम सुन ली होगी आपने। राजीव रावत हमारे सहयोगी टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, शपथ हम सुन रहे थे, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? इससे पहले भी कई बार विवाद के किस्से, हालांकि कलह के किस्से टीकमगढ़ से निकल कर आए हैं, ये मामला बताएं जरा राजीव। देखिए, जो भाजपा के विधायक हैं हरिशंकर खटीक, जतारा विधानसभा से विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, कुछ रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, तो उनको मनाने की इस तरीके से कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें किसी की भी तरह का छल छंद ना करें, तो इसको लेकर जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या पहुंचे, उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाई और डुबकी के दौरान उन कार्यकर्ताओं को इस तरीके की शपथ दिला रहे हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका ही फेवर करें और किसी भी तरह का छल छंद ना करें, इसको लेकर हरिशंकर खटीक शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। हालांकि हरिशंकर खटीक से हमारी फोन पर बात हुई थी, तो हरिशंकर खटीक का कहना है कि इस तरीके से लेकर मैंने शपथ नहीं दिलाई थी और क्षेत्र के विकास विकास करें, विकास में सहयोग करें, इसको लेकर मैंने शपथ दिलाई है। तो लेकिन जो वीडियो में जरूर दिख रहा है, क्योंकि छल छंद ना करें इस तरीके के शब्द भी आ रहे हैं, तो आने वाला विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर जो सर्वे रिपोर्ट आई है, तो उसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर अब जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको किसी ना किसी तरीके से मनाने की फिर एक बार पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसी भी तरह की हानि ना झेलना पड़े और सबको लेकर साथ में चलना पड़े, तो इस तरीके के अब प्रयास और कयास लगाए जा रहे हैं। जी जी जी, चलिए लगातार हमारे साथ बने रहेगा राजीव। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जतारा विधायक हैं हरिशंकर जी, उनका एक वीडियो सामने आया है हरिशंकर खटीक का, सरयू में शपथ दिलवा रहे हैं वो कि इलाके का विकास तो करेंगे, छल और धोखा नहीं देंगे, इसकी शपथ दिला रहे हैं। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी छल कपट और धोखे से सरकार में आई है, अब उन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, इसलिए अपने ही कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवानी पड़ रही है कि धोखा नहीं देंगे, हमने तो धोखे से सरकार बनाई है लेकिन आप हमें धोखा मत देना। ये दोहरा चरित्र है राजनीति का और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को उजागर कर रहा है। पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी गुटबाजी और भारी असंतोष है और बड़े पैमाने पे धोखेबाजी और बगावत होने की तैयारी है, इसलिए नेता शपथ दिलवा रहे हैं लेकिन कुछ भी कर ले इस तरह के प्रपंच सफल नहीं होने वाले, जिन्होंने लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके सरकार बनाई, आप वो ईमानदारी की उम्मीद करें तो ऐसा नहीं हो सकता है, उनके कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता दोनों उनको सबक सिखाएंगे।
जी, हालांकि अजय जी छल की या छल छंद का एक बड़ा अच्छा शब्द आया इसमें, छल छंद, इसके ज्यादातर शिकार आप हुए हैं अब तक। हम तो शिकार हुए हैं और छल कपट करके भाजपा सरकार में आई है, तो अब उन्हें उसी चीज का डर है कि जो छल वो करते रहे उसी तरह का छल उनके साथ होने वाला है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी को 3 साल तक किसी तरह का सम्मान नहीं दिया इस सरकार में, केवल और केवल उपेक्षा हुई, नेता विधायक मलाई खाते रहे, सत्ता की भ्रष्टाचार करते रहे, और अब जब चुनाव आ रहा है तो कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवानी पड़ रही है। अगर उन्हें सम्मान दिया होता तो शपथ नहीं दिलवानी पड़ती। जी 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 जी, चलिए आप प्लीज बने रहिएगा। राजीव हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, एक बार और विधायक ने क्या आपसे फोन पर चर्चा की थी इस वीडियो को लेकर, बताएं जरा। देखिए, सुबह आज हमारी विधायक हरिशंकर खटीक से बात हुई थी और कहा था कि ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है आपका। तो उनका कहना है कि क्षेत्र के विकास को लेकर मैंने शपथ दिलाई थी कि और क्षेत्र का विकास करें और विकास में सहयोग करें, जिसको लेकर मैंने शपथ दिलाई है और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजीव, मैं रोक रहा हूं आपको। दरअसल डॉक्टर रितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाजपेयी, सरयू नदी की तस्वीरें हैं, विधायक हैं हरिशंकर जी, वो शपथ दिलवा रहे हैं, कसम दिलवा रहे हैं कि छल छंद नहीं करेंगे, सेवा करेंगे। जी प्लीज। सरयू जी, सब मित्र लोग हैं और मित्र लोग मिलके सोचिए माता सरयू में स्नान कर रहे हैं और उनको साक्षी मान कर एक दूसरे का साथ देने की शपथ ले रहे हैं जी, एक दूसरे को ढाढ़स बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, अच्छी बात है तो। जी ढाढ़स नहीं बना रहे, कसम दिलवा रहे हैं विधायक जी। हाँ, शपथ लेना भी ढाढ़स बनाना होता है कि नहीं हम साथ साथ हैं। जी जी, जैसे पर रोज उठ के पूछते हैं ना, सरयू का जल लेकर शपथ की नौबत आ क्यों रही है। अजय जी भी लगातार बने हुए हैं। अजय जी कह रहे हैं चूंकि धोखा देकर सरकार बनाई गई है तो कहीं ये धोखा ना दे दें। डॉक्टर वाजपेयी, हमको तो ललित जी क्या है, अभी आगे बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, तो स्वाभाविक है कि लड़ने से पहले अपने साथी और सेनापति अपने साथियों को लेकर एक संकल्प लेता है जी। फिर वो संकल्प युद्ध में जो होता है या चुनाव में होता है, परीक्षाओं में जो होता है, वो सिद्ध होता है। ये संकल्प लिया जा रहा है जी, तो मुझे लगता है संकल्प लेना तो अच्छी बात होती है। अजय जी, संकल्प लिया जा रहा है ये और कसम देकर ढाढ़स बंधाया जा रहा है आगे की लड़ाइयों के लिए। ढाढ़स से ना, संकल्प से सीधा सीधा शपथ दिला रहा है कि धोखा नहीं दोगे जी, कोई साथ लड़ने की बात नहीं है, किसी तरह के संकल्प की बात नहीं है। ठीक ठीक ठीक, अजय जी हाँ। नहीं चलिए, प्लीज मैं रोक रहा हूँ, थोड़ा देरी भी हो गई थी डॉक्टर वाजपेयी को जुड़ने में। धन्यवाद अजय जी आपका, डॉक्टर वाजपेयी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजीव हमारे साथ लगातार बने रहे। राजीव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें हैं और इसको लेकर क्या रिएक्शन, वो भी आपने सुने। अब आपको दिखाते हैं विधायक उमाकांत शर्मा और हरी सप्रे का साड़ी वाला डांस। विदिशा में दोनों विधायक साड़ी पहनकर झूमते नजर आए और बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो सिरोंज के महामाई मेले का है। जमकर ये थिरके हैं। और इससे पहले विधायक उमाकांत शर्मा ने गोरी नाचे रे इस पर भी खूब ठुमके लगाए थे। तो ये दो तस्वीरें भी, साड़ी में डांस और इससे पहले गोरी नाचे रे उस पर विधायक जी के ठुमके, ये कल लगातार सुर्खियों में बने रहे और आज फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कल हालांकि जो विधायक हैं सिरोंज उमाकांत शर्मा वो अकेले नजर आए थे, आज उनके साथ एक और विधायक भी नजर आ रहे हैं, हरी सप्रे साड़ी में ये ठुमके लगा रहे हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साड़ी वाला जो वायरल हुआ वो भी दिखा रहे हैं, ये कहा जा सकता है चुनाव सिर पर है तो सियासत का साड़ी नाच शुरू हो गया है। जी
बिल्कुल, देखिए चुनाव है और चुनाव में कैसे अपनी छवि को और बेहतर बनाया जा सकता है, लोगों में कैसे संदेश देकर खुद को की छवि को चमकाया जा सकता है, इसी की कोशिश में अब बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि पहली बार इस तरीके के वीडियो एक के बाद एक सामने आए। हालांकि महामाई मंदिर सिरोंज में है, वहां का ये वीडियो बताया जा रहा है, नवरात्रि में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन साड़ी पहनकर बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा और हरी सप्रे जिस तरीके से साड़ी पहनकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं, इसको यदि आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जाए तो इसमें बुराई नहीं होगी, क्योंकि धार्मिक आयोजन में इस तरीके से ये डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पहले भी एक वीडियो उमाकांत शर्मा का सामने आया था जिसमें वो ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे थे, और अब साड़ी पहनकर इस तरीके से झूमते हुए नाचते हुए ये दो विधायक नजर आ रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि ये जो सक्रियता है और सोशल मीडिया पर जो ये सनसनी वाले वीडियो हैं, ये अभी जारी रहेंगे अनुराग? बिल्कुल, देखिए अभी विधानसभा चुनाव में 7 महीने का समय बाकी है, ये अभी इसको शुरुआत कह सकते हैं, और आने वाले समय में इस तरीके से और इसी जैसे कई और वीडियो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हमको देखने को मिला कि कैसे पीसीसी दफ्तर भगवा रंग में रंगा नजर आया, और अब जो बीजेपी के विधायक हैं वो साड़ी पहनकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वाकई में चुनाव से पहले की हलचलें हैं जो अब एक के बाद एक दिखाई देने लगी हैं, और चुनाव आने तक इस तरह की कई तस्वीरें और देखने को मिलेंगी। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके जनप्रतिनिधि जो सियासी दल हैं वो किस तरह के रंग में उनको नजर आने वाली है आने वाले दिनों में, कई रोचक जो रंग हैं इस बार चुनाव में दिखाई देंगे जरूर। जाहिर तौर पर थोड़े से नाच के बाद 5 साल का राज भी मिलता है, और आज बिरज में होली हो या ना हो ये गोली चलती रहे। एक बात और अनुराग, अगर सिर्फ उमाकांत शर्मा की बात कर ली जाए, वन टू वन कम्युनिकेशन वाले ये नेता माने जाते हैं अपने भाई की तरह, और शायद यही वजह है कि उन्हें पता है किस जगह जाके कितनी साड़ी पहनकर और कितना नाच करना है। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव में जनता के बीच पहुंचने से पहले किस तरीके से सियासी नाच करना है, कैसे कितना देर तक झूमना है, ये नेताओं को बहुत अच्छे से पता है। लक्ष्मीकांत शर्मा जो पूर्व मंत्री थे, उनकी राजनीतिक विरासत को उनके भाई संभाल रहे हैं, और अब जबकि चुनाव है तो ऐसे में अपना टिकट पक्का करने से लेकर लोगों के बीच में अपनी छवि को और बेहतर करने और लोगों तक एक प्रचार के जरिए खुद को पहुंचाने की कोशिश, इसको कहा जा सकता है, उसी का एक ये नमूना है कि इस तरीके से बीजेपी के विधायक नाचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगले वीडियो का इंतजार करते हैं, उसमें क्या पहनकर वो नाचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, कथावाचक प्रदीप मिश्रा, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रदीप मिश्रा ही कह रहे हैं, ना ही कभी राजनीति में आना चाहता हूं, भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूं, बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धरा, माँ छिपरा का तट, महाकाल राजा के चरणारविंद में उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की ही दया से और उन्हीं की ही करुणा से ये शिव महापुराण कथा विक्रमादित्य होने जा रही है, सभी श्रोता भाई बहन उसमें आमंत्रित। महाराज जी, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में दोनों ही पार्टियों की तरफ से यदि आपको मौका मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो हम कभी लड़ना नहीं चाहते और ना राजनीति में जाना चाहते हैं, ये तो बाबा के चरणों के दास है और बाबा अपने चरणों के दास बना कर रखे। श्री शिवाय नमः। सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सुन रहे थे हम अभी जो प्रदीप मिश्रा हैं, उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, बाबा के दास बने रहना चाहते हैं। जी ये देखिए, प्रदीप पंडित मिश्रा की जो है कल 4 तारीख से लेकर 10 तारीख जो है उज्जैन में शिव की कथा है, जिसको लेकर जो है प्रदीप मिश्रा लगातार उज्जैन दौरे पर आ रहे हैं, और आज भी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया है। साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं ना कभी चुनाव लड़ूंगा और ना ही कभी राजनीति में आना चाहता हूं, भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूं, बस यही मेरी उम्मीद है। तो इसी को लेकर जो है प्रदीप मिश्रा से एक सवाल किया गया था, तो उन्होंने चुनाव को लेकर जो है अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि यदि मुझे कोई मौका देता है तो मैं राजनीति में नहीं आना चाहता हूँ। जी 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 जी, चलिए खैर, जिनके एक बार कहने पर सहस्त्रों सहस्त्र लोग
एग्जाम में पास होने के लिए शहद लगा के बेलपत्र चाटने लगे हों, उन्हें राजनीति के लिए जरूरत भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर भोपाल से, राजधानी में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 27 नए मरीज सामने आए हैं और एक्टिव केसेस बढ़कर हो गए हैं 38। 3 दिन में 3000 सैंपल की जांच हुई है, 10-11 अप्रैल को अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी होनी है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल। शैलेंद्र, 27 नए मामले, ये अलार्मिंग है, अलर्ट है, चेतावनी है। देखिए बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ये जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश में भी कोविड के जो मरीज हैं वो बढ़ने लगे, ये आंकड़ा तो केवल राजधानी भोपाल का है, अगर दूसरे शहरों की बात करूं तो लगभग एक दर्जन से अधिक शहर ऐसे हैं जहां अब एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी हो, तो ऐसे में ये अलार्मिंग है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, देश भर में ये देखने में आ रहा है कि अब मरीज जो है वो हर इलाके में लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। स्वास्थ्य अगर विभाग की तरफ से देखें तो अब जो है 10 और 11 अप्रैल को प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। हालांकि इसके पहले भी अगर हम देखें तो 1 से 1.5 महीना पहले भी एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी और जितने भी ऑक्सीजन की जो मशीनें हैं या जो टैंक हैं उनको सबका देख रेख की गई थी, उनका चेकअप किया गया था। इसके अलावा चाहे अस्पताल हो, बड़े अस्पताल हो या छोटे अस्पताल हो, सब में व्यवस्थाओं को जांचा गया था, क्योंकि जिस तरीके से कोविड अगर लगातार बढ़ता है तो ऐसे में कई, खासकर हम सेकंड वेव की बात करते हैं तो देखने में आया था कि लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली थी, ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हुए थे, तो ऐसे में सरकार उस तरह की परिस्थितियां ना बने तो दोबारा, और यही कारण है कि मॉक ड्रिल करके अपनी जो व्यवस्थाएं उनको चाक चौबंद करना चाहती है और लोगों से भी लगातार ये अपील हो रही है कि जो कोविड के जो नियम है उनको थोड़ा सा माना जाए। हालांकि अभी बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी से अगर आप सावधानी रखेंगे तो आगे परिस्थितियां सावधानी में ही सुरक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। छतरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई और सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हुई है, 4 लोग जख्मी भी हैं, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गढ़ी में लहरा थाना लगता है, उजरा गांव के पास ही पूरा हादसा हुआ है। छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 कारों की टक्कर और सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई है, 4 लोग घायल भी हैं, जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। गढ़ी में लहरा पुलिस थाना लगता है, उजरा गांव के पास यह हादसा हुआ, 2 कारों में जोरदार टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 महिलाओं समेत। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र पूरी घटना के बारे में बताएं, हादसा कैसे हुआ? देखिए ललित, जो घटना है छतरपुर जिले का जो गढ़ी मलहरा थाना है उसके अंतर्गत उजरा गांव आता है, वहीं उजरा गांव के पास यहां पर एक भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 महिलाओं सहित 1 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि इस पूरे हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें गढ़ी मलहरा थाना पुलिस द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। और जो घटना है, जो एक जीप और एक कार यानी स्कॉर्पियो और वैगनार के बीच में हुई थी, जो वैगनार कार है वो उत्तर प्रदेश के महुआ से छतरपुर की ओर आ रही थी, और जो अभी अपडेट निकल के आया है वो है जो कार है गर्भवती महिला को दिखाने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए, चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल आ रही थी, लेकिन इसी दौरान छतरपुर की ओर से जो स्कॉर्पियो जीप जा रही थी उससे भीषण सड़क हादसा हो जाता है और वहां पर तत्काल मौके पर ही 2 महिलाओं सहित 1 पुरुष यानी जो गाड़ी का चालक था उसकी ही मौके पर मौत हो गई है और एक महिला सहित 1 बच्ची की भी उसमें मौत हुई है और दर्दनाक सड़क हादसा यह सामने आया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी विधायकों के पीएम से मिलने से पहले सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस के संचार प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी विधायकों को प्रधानमंत्री से मांग करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य घोषित करें, बीजेपी विधायक छत्तीसगढ़ के लिए विशेष पैकेज की मांग करें, 15 साल में बीजेपी ने प्रदेश का विकास नहीं किया, कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में विकास के काम हुए हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री से मिलना निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा गौरवपूर्ण क्षण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण
हालात होते हैं। यदि प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मिल रहा है तो बिना दलील राजनीति के उन्हें छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में बस्तर जैसा इलाका है, सरगुजा जैसा इलाका है, जो 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास की उस दौड़ में नहीं पहुंच पाया था जहां अन्य क्षेत्र देश के पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और आप दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, कोरोना के एक्टिव केसेस 20,000 के पार चले गए। एक्टिव केस बढ़कर 20,219 हो गए। 24 घंटे में 3,641 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर 20,000 के पार। एक्टिव केस 20,219, 24 घंटे में कोरोना के 3,641 नए मामले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी। नवादा के हिसुआ में गर्जे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का 2025 में बीजेपी की बिहार में सरकार बनवा दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा कर दे।